नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, गदर टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, गदर टू का जो सुबह की जो थिएटर ऑक्यूपेंसी थी और जो आफ्टरनून की थिएटर ऑक्यूपेंसी थी, उसमें थोड़ा फर्क जरूर है। दोस्तों, मुझे उम्मीद थी कि सुबह तो अच्छी ऑक्यूपेंसी थी, आपको बताया था मैंने 15.98% थिएटर ऑक्यूपेंसी थी, जो कल की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी से लगभग डबल थी। लेकिन दोस्तों, जो आफ्टरनून की थिएटर ऑक्यूपेंसी थी वो करीब में 24-25% की, 24% to 25% की एक उम्मीद कर रहा था कि इतनी थिएटर ऑक्यूपेंसी होगी, लेकिन वो ऑक्यूपेंसी नहीं आई है, पता नहीं क्या कारण है। और ऑक्यूपेंसी करीब 14.98% की ही आई है, मतलब लगभग मॉर्निंग शो के जितनी ही थिएटर ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून शो में देखने को मिली है। ये क्या कारण रहा, इसके कारण के बारे में ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं सकता, लेकिन कम आई है। और इवनिंग शो की मेरे को थिएटर ऑक्यूपेंसी जब मैंने वीडियो बनाया था तब तक मुझे नहीं मिली थी, मेरे सामने नहीं आई थी कि कितनी इवनिंग शो की थिएटर ऑक्यूपेंसी है। तो दोस्तों, अगर ये थिएटर ऑक्यूपेंसी रहती है तो फिर तो दोस्तों ये मानना पड़ेगा कि कलेक्शन कम ही रहेगा, करीब 35 लाख से 40 लाख की रेंज में ही कलेक्शन रहेगा आज का कलेक्शन, हकीकत यही है। लेकिन अगर इवनिंग शो और नाइट शो में थिएटर ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, और इसकी उम्मीद पूरी है कि इवनिंग शो में और नाइट शो में थिएटर ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी देखने की मिलेगी, तो बढ़नी चाहिए, 99% बढ़ेगी ये दोनों ऑक्यूपेंसी, विशेषकर इवनिंग शो में काफ़ी अच्छी थिएटर ऑक्यूपेंसी हो सकती है, तो फिर ये कलेक्शन 50 लाख के आसपास आज भी आ सकता है। और अगर मैं मानता हूँ कि अगर 50 लाख के आसपास कलेक्शन आ जाता है तो बहुत अच्छा होगा, इसे बहुत ही अच्छा कलेक्शन कहा जाएगा, क्योंकि अभी फिल्म लगभग दोस्तों करीब करीब ये अभी 516.41 करोड़ पे है, 516.41 करोड़, मतलब 516 करोड़ 41 लाख के आसपास 34 डेज का कलेक्शन है। तो अब अगर आज ये फिल्म, मतलब करीब करीब कलेक्शन, अगर अभी मैंने ये जो डाटा की लिखे है वो आपके लिए वो 34-35 लाख मान के लिखे हैं, अगर ये कलेक्शन थोड़े ज़्यादा चले जाते हैं, मान लो 50 लाख तक चले जाते हैं, तो फिर ये करीब 516.60, मतलब 516 करोड़ 60 लाख के आसपास होगा। तो अब ये सब कुछ डिपेंड करेगा रात के शोज पे और इवनिंग शोज पे, इवनिंग शो पे थिएटर ऑक्यूपेंसी पे डिपेंड करेगा। जहाँ तक दोस्तों गदर टू के अगर अपन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें 33 डेज के, तो 674 करोड़ रुपये इसका वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो गया है, और इसका 516.07 करोड़ इसका कलेक्शन है करीब करीब, आप ही मान लीजिए कि 33 डेज का इंडियन नेट कलेक्शन, और 608.50 करोड़ हो गया है इंडिया ग्रोस कलेक्शन, और ओवरसीज से फिल्म ने 65.5 करोड़ रुपये कमाए। और आज फिल्म के शो कम नहीं हुए, सबसे बड़ी बात यह कि फिल्म के शो कम नहीं हुए हैं, 400 से ज़्यादा शोज है फिल्म के अभी भी बड़े बड़े शहरों में, इसके अलावा भी कई जगह शो है। तो अब सवाल ये उठता है कि शोज है लेकिन ऑक्यूपेंसी कम आ रही है, अब ऑक्यूपेंसी कैसे बढ़े, ऑक्यूपेंसी बढ़े तो फिल्म का मतलब मजा आए, जल्दी ये कलेक्शन करे, लेकिन क्योंकि वर्किंग डे चल रहे हैं तो अभी थिएटर ऑक्यूपेंसी आज और कल भी मुझे लगता है, कल और परसों शुक्रवार तक ये ऑक्यूपेंसी ऐसी चलेगी, और लगता है गदर टू का जो ये जो कलेक्शन का जो एरिया है वो बिटवीन 40 लाख 50 लाख के बीच में ही कहीं पर रहने वाला है, इससे ज़्यादा कलेक्शन नहीं आएगा, हकीकत यही है अगर अपन टू द पॉइंट बात करें तो। तो अगर ये करीब 40-50 लाख का कलेक्शन आता है जैसे आज इतना आ ही रहा है, और कल भी करीब 40 लाख के आसपास कलेक्शन अपन पकड़े है, तो ये करीब करीब कल और परसों का अगर 40-40 लाख पकड़े तो करीब 517.25 करोड़ के आसपास, मतलब 517 करोड़ 25 लाख के आसपास कलेक्शन होगा ये करीब शुक्रवार को, और फिर शनिवार और रविवार को कलेक्शन में जबरदस्त जंप आ सकता है, 1 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन अगर ये आए तो 518.25, 519.25, तो 519.50, मतलब 519.50 से 520 करोड़ की रेंज में कलेक्शन हो जाएगा संडे तक गदर टू का, और फिर उसके बाद में पठान का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए करीब 4.5 करोड़ का कलेक्शन और चाहिएगा, मतलब ये बात जाएगी अगले हफ्ते पर ये बात जाने वाली है, क्योंकि अभी दोस्तों जो 22 तारीख को फिल्म रिलीज हो जाएगी जो ग्रेट इंडियन फैमिली है, वो अब वो ज़्यादा बड़ी फिल्म तो नहीं है, वही यार की फिल्म तो शो तो लेगी वो डेफिनेटली, हालांकि हाई बिल्कुल भी नहीं है उस फिल्म की मान के चलिए, लेकिन उसके बाद में 28 तारीख को आएगी फुकरे और वैक्सीन वार, तो उसके पहले पहले मतलब गदर टू को ये रिकॉर्ड है वो ब्रेक करना ही होगा, उसके बाद में संभावना बहुत कम रह जाएगी दोस्तों, सही बात है, क्योंकि फिर बहुत सारे स्क्रीन से वो बढ़ जाएंगे, हालांकि जवान के शोज भी कम हो रहे हैं, जवान के शोज भी लगातार कम हो रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी कि कब तक ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ पाती है। तो अभी तो मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया लगभग कि इस तरीके से फिल्म चलेगी संडे तक में 520 करोड़ के आसपास, 519 से 520 करोड़ के आसपास फिल्म का प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद में जो 4-5 करोड़ है वो कितना टाइम लगता है, अगर 30-40 लाख आता है तो फिर तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, खैर देखते हैं जो भी है, फिलहाल
गदर टू से उम्मीदें अभी पूरी है। अब किस प्रकार का सपोर्ट फिल्म को मिलता है ऑडियंस, संडे और सैटरडे मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस दिन जितना बड़ा कलेक्शन आ जाएगा वो शायद बहुत ही ज़्यादा एक सहारा बनेगा रिकॉर्ड तोड़ने में। तो फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह के वीडियो में। धन्यवाद आपका, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।